दोस्तों, आप सभी ने पिछले कुछ दिनों में न्यूज में पैनिक बटन के बारे में जरूर सुना होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि पैनिक बटन क्या है, ये कैसे काम करता है, तो आप वीडियो देखते रहिए और मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, इंडियन टेलीकॉम अथॉरिटी जो है उसने एक नया फैसला लिया है। वो ये कि 2017 1 जनवरी से जितने भी फोन्स इंडिया में आएंगे बिकने के लिए, चाहे वो एक बेसिक फोन हो या फिर एक स्मार्टफोन हो, उनमें एक पैनिक बटन का होना बहुत जरूरी है। अब पैनिक बटन क्या है वो आपको बताऊंगा। और उसके अलावा एक और फैसला ये है कि 1 जनवरी 2018 से जो फोन्स आएंगे मार्केट में, चाहे वो बेसिक फोन हो चाहे वो स्मार्टफोन हो, उनमें एक जीपीएस यूनिट का होना भी कंपलसरी है। अब ये दोनों ही चीजें काफी अच्छी हैं और एक कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से, एक फोन के यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी उनको मदद देंगी कि एक इमरजेंसी की कंडीशन में, चाहे वो भूकंप हो, चाहे वो चोरी हो, चाहे वो वुमेन के अगेंस्ट आपको कुछ क्राइम देखने को मिलता हो, तो ऐसे में मदद के लिए एक पैनिक बटन का होना बहुत ही अच्छी बात है, जिसकी मदद से आप अपनों तक अपना मैसेज पहुंचा पाएंगे कि आप मुसीबत में हैं। अब दोस्तों देखिए, अगर आप मुसीबत में हैं, आपके पास में एक फोन है, आपके साथ में कोई भी दुर्घटना हो गई है या होने वाली है, तो ऐसे में आप सबसे पहले कॉल करते हैं किसी को भी, अपने रिश्तेदार को, अपने दोस्त को, अपने फैमिली मेंबर को। और कॉल करने के लिए आपके फोन को अनलॉक करना जरूरी है, आपको नंबर डायल करना जरूरी है, आप कॉन्टैक्ट्स में जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे या स्पीड डायल होगा, तो वो बेसिकली एक मल्टीपल प्रोसेस है और आपको कम से कम 10-15-20-50 सेकंड भी लग सकते हैं सिर्फ उतना सा काम करने के लिए। और हो सकता है कि ऐसे कंडीशन में आपके पास में इतना टाइम ना हो, या हो सकता है आपको चुपके से, अगर आपके ऊपर कोई अटैक हो रहा है, अगर आपके ऊपर कोई गलत तरीके से अगर कोई आपको अप्रोच कर रहा है, तो ऐसे में आपके पास मौका ना हो कि आप उसकी नजरों के सामने अपने फोन में वो सारे काम कर पाए। लेकिन अगर आपके पास में एक फोन ऐसा है जिसके अंदर एक पैनिक बटन है, तो बड़ा ही आसान है कि आपको, अगर फोन आपकी जेब में है तो आपको जेब में हाथ डाल के बिना फोन को बाहर निकाले भी आप बस एक बटन दबाएंगे और आपका काम बन जाएगा। या आपके बैग में फोन है, आपके हाथ में फोन है, तो आपको पूरा अनलॉक करना, वो सब आपकी जो पूरी प्रोसेस है, आपको उससे बच के सिर्फ पैनिक बटन दबाएं और वो काम बन जाएगा। पैनिक बटन बेसिकली क्या करेगा, इसमें अलग अलग फंक्शंस हो सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने एक बटन को दबाया तो सीधा एक बटन दबाने से डायरेक्ट आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे कॉल चला गया। हो सकता है आपने एक बटन दबाया तो बटन दबाते ही डायरेक्ट आपके किसी भी रिलेटिव के पास में, किसी भी फैमिली मेंबर के पास में, जिसका भी आपने नंबर उसमें फीड किया है, उसके पास में आपकी करंट लोकेशन, कैमरा से फ्रंट एंड बैक की फोटो और एक कस्टमाइज्ड मैसेज या इवन एक कॉल भी जा सकती है। और ऐसे में आप ये कन्वे कर सकते हैं कि आप इस टाइम पे प्रॉब्लम में हैं। अब ये पैनिक बटन, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे एंड्रॉइड फोन्स आते हैं जहां पे नॉर्मल आपको पावर बटन या वॉल्यूम वगैरह देखने को मिलता है, आपको एक एक्स्ट्रा बटन देना तो हो सकता है मैन्युफैक्चरर्स के लिए पॉसिबल नहीं होगा स्पेसिफिकली इंडियन मार्केट के लिए, लेकिन ये अलग अलग शॉर्टकट्स दे सकते हैं। हो सकता है कि आपको ये कहा जाए कि आप पावर बटन को 3-4 बार दबाएंगे तो वो एज अ पैनिक बटन काम कर लेगा, या हो सकता है आपको ये कहें कि एक बेसिक फोन में आप 5 को दबाइए या फिर आप 0 को दबाइए तो ये एक पैनिक बटन की तरह काम करेगा। और इंडिया में एक सेंट्रलाइज्ड हेल्पलाइन नंबर एक स्टार्ट होने वाला है, इसका नाम है 112, जो नंबर है 112, जैसे यूएस में होता है 911 उस तरीके से, तो 112 वो एक सेंट्रलाइज्ड हॉटलाइन होगी जहां पे आप किसी भी तरह की इमरजेंसी कंडीशन में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपनी मदद के लिए। तो ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है और आने वाले दिनों में जब आपको एक बेसिक फोन में भी जीपीएस देखने को मिलेगा तो उससे क्या होगा कि आप बस एक पैनिक बटन दबाएं या जो भी एक शॉर्टकट है उसके अंदर, और वो दबाने के बाद में आप अपनी लोकेशन को भी एग्जैक्टली ट्रांसमिट कर पाएंगे। और इसके अलावा सैमसंग के फोन्स में, और मैं आपको एक वीडियो बताऊंगा कि काफी सॉफ्टवेयर्स आज की डेट में अवेलेबल भी हैं मार्केट में, जिन सॉफ्टवेयर को यूज करके आप आज की डेट से अभी से ही उस पैनिक बटन की फंक्शनैलिटी को यूज कर सकते हैं। इसकी मदद से क्या होगा कि आप अपने फोन में कुछ ऐप्स को इंस्टॉल कीजिए, आप उनको पूरा अपना डेटा डाल के उनको फीड कर दीजिए उसमें डेटा, और उसके बाद में किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में आप अपने वॉल्यूम बटन्स को दबाइए या फिर आप अपने पावर बटन को दबाइए और वो एज अ पैनिक बटन काम करेगा अभी से ही। और आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है, आप जहां पे भी हैं, जो आपका जीपीएस है, जो आपके कैमरा से फोटोज हैं, आपकी जो कोई वॉइस रिकॉर्डिंग है, जो सारी चीजें, वो इमरजेंसी कंडीशन में आप अपने किसी दोस्त, रिश्तेदार या फैमिली मेंबर को भेज सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि पैनिक बटन को लेकर वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी और ये आने वाले टाइम में वुमेन सेफ्टी के लिए काफी कामगार होगा। और न सिर्फ वुमेन सेफ्टी के लिए, इन जनरल आप अगर किसी भी टाइप की मुसीबत में है तो ऐसे में आपके लिए एक वन टच सोल्यूशन होगा कि घर में कोई बुजुर्ग है तो वो भी पैनिक बटन दबा के अपनी अपनी जो बात है या वो अगर किसी प्रॉब्लम है तो वो कन्वे कर सकते हैं जो फैमिली मेंबर्स बाहर गए हैं उनके साथ में। तो ये काफी अच्छा सोल्यूशन है। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक टेक्निकल गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना यहाँ पे इसी तरह की टेक वीडियोज लेके आता रहता हूँ। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।